बेटा एक बात मैं आप सबको समझा देता हूं, और वो बात क्या है, जिसने भी अपनी मां को दुख दे दिया या जिसकी मां ने दुख पाया, वो आदमी जिंदगी में कभी रुपए पैसे और प्रॉपर्टी से सुखी नहीं रह सकता। और अगर कहीं उसने थोड़ी देर के लिए प्रॉपर्टी पैसा कमा भी लिया तो उसने मिट्टी में मिलना ही मिलना है, ये बात कभी मत भूलना। इसलिए मां से कभी मत बिगाड़ो, बाप से, जिसने अपने बाप को दुख दिया, समझिए, उनके खिलाफ गया, उनके साथ विचार नहीं मिले और उनको भला बुरा बोला जी। वो अपने काम के अंदर कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता, और उसको शारीरिक कष्ट जरूर आए, अगर शारीरिक कष्ट नहीं आए तो उसका बेटा नालायक निकलेगा, ये हालात होने ही होने हैं। और जिसने अपने भाइयों के साथ बिगाड़ी, भाइयों के साथ मार पिटाई करी, उनके सर फाड़े, बेटा वो इंसान को कन्फर्म बात है कि खून की या तो कोई ना कोई बहुत घातक बीमारी या आंखों की रोशनी की कमी, और बाद में अपने घर के अंदर कलेश के हालात और गरीबी की बुढ़ापे में जिंदगी, ये उसको नसीब होनी ही होनी है जी। समझ गए। फिर जिसने अपनी बीवी को प्रताड़ित किया, अपने जीवन साथी को के साथ बेवफाई करी, समझ गए, वो आदमी जगह जगह का रोगी होके जाता है, और वो दुनिया को दिखावे के लिए भले कह दे कि परमात्मा मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन उसको खुद को पता होता कि मैंने ऐसे कर्म क्या किए हैं जिसके कारण अब मैं रोगी होके जा रहा हूं। समझे, कारण यह है बेटा, ऐसे लोग खुद जब पर्सनली मिलने आते हैं, चाहे आदमी हो या औरत, अपने मुंह से अपने आप ही कहते हैं, कहते हैं हमें पता है हमने ये कर्म किए हैं, क्योंकि जब उनको पूछते हो ऐसे हालात हुए थे, वो कहते हैं हाँ ऐसे हुए थे और हमें पता है परमात्मा इसी चीज की सजा हमें दे रहा है। बिल्कुल, समझ गए। जो भी इंसान धोखा देता है, खास तौर पे चाचा या ताऊ को, समझ गए, वो इंसान पहले बेशक फ्लरिश कर जाए, लेकिन सारी जिंदगी उसकी लड़ाई झगड़े क्लेश कोर्ट कचहरी दवाइयों के दौर इसी में जाती है। और वो इंसान एक चालाक के नाम से मशहूर होता है, उसको अपनी किस्मत के वश से बेशक थोड़ी देर के लिए सुख मिले, लेकिन आगे उसकी पीढ़ी के अंदर वो बुरा हाल होता है जिसे बोलते हैं पितृश्राप, उसके आगे की पीढ़ियां भोगती है, वो चाहे अपनी जिंदगी में भोगे ना भोगे, समझ गए। इसी तरह से बेटा मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, और बुध, जो इंसान अपनी बहनों को खुश नहीं रखता, समझ गए, जो इंसान अपनी बहनों को खास तौर पे बोलना इसलिए छोड़ देता कि उनको देना पड़ेगा, उनका करना पड़ेगा, समझ गए बेटा, वो इंसान जितना मर्जी दुनिया का समझदार हो, वो एक बात बोलता है कि मैंने उसको बनाया, मैंने उसको बनाया, उसके लिए इतना कुछ किया, मैंने अकल दी, वो बन गया, लेकिन बेटा उससे पूछ के देखो वो क्या बना, वो कभी जिंदगी में ढंग से नहीं बनता, समझ गए। इसीलिए बेटा जो ग्रह है वो तुम्हारे रिश्ते ही हैं, और तुम्हारे रिश्ते ही ग्रह हैं, इनको संभाल के रख लो, इनसे प्यार कर लो, इनको देना लेना शुरू करो, इनके साथ मेल जोल बढ़ाओ, एक दूसरे के काम आना शुरू करो, देखो सारे ग्रह अपने आप ही सेट हो जाएंगे। जिस जिस के भी बिजनेस खराब है बेटा, बहनों को मानना शुरू कर दो, और ऐसा ना हो कि पड़ोस की बहनों को मानते रहे और अपनी से दुश्मनी ही चलती रहे। इसीलिए बेटा अपने खून के जो ताल्लुकदार है, भले उनके साथ कहां तक की लड़ाई हो, उनको मना लो, खुद पहल करके मना लो, अपनी ईगो को छोड़ो परा, समझ गए, उनको मना के देखो, ग्रह सारे सेट होते नजर आएंगे, सारे दुख घर से निकल जाएंगे। ठीक है, खुश रहिए दादा।